अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली हसन है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल मेलोडी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये इस वक्त इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसकी तशखीस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हर हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर कोई अलामत मौजूद हो, क्योंकि हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं। जब इसकी ब्लड प्रेशर आपको बहुत एक्सट्रीमली रेंजेस के बाहर निकलता है तो फिर आपके अंदर कुछ अलामत मौजूद हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली में कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ किसी चीज़ से मुतासर है तो आप रेगुलर अपनी बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 20 मिनट की रेस करने के बाद आप फ्रीक्वेंटली अपने 2-3 रीडिंग ब्लड प्रेशर की लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक से ऊपर रीडिंग जाती हैं तो उसके बाद आप अपने मुतल्लिका फिजिशियन से रब्ता करें और उसके बाद अपनी हाइपरटेंशन को यानी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाएं। अपने डाइट के अंदर सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, फिजिकल एक्टिविटी को अपना हिस्सा बनाएं और जो अद्वियात हैं वो अपने मुतालिका फिजिशियन से डिस्कस करके स्टार्ट करें। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की दवाई पूरी ज़िंदगी खानी होती है? हाँ, अक्सर बेशतर जो केसेस होते हैं उसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ की क्या वजूहत हो सकती हैं? इसमें कॉमनली दो रीजंस हैं। एक इसको हम एसेंशियल कहते हैं जो कि 95% पाई जाती है, इसका कोई कॉज नहीं होता है प्राइमरी। और 5% ऐसे लोग होते हैं जिसमें सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, जिसमें आपके रीनल कॉजेज हो सकते हैं या एंडोक्राइन हाइपरटेंशन हो सकती है। तो अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर की जो लेवल से वो ज़्यादा पाई जाती हैं तो फौरन से अपने मुतालिका डॉक्टर से रब्ता करें और उसके अद्वियात को रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि आप हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के साथ होने वाली पेचीदगियाँ उससे भी खुद को महफूज रख सकते हैं, जिसमें आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, दिल की बीमारियाँ, स्ट्रोक यानी फालिज की बीमारी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, इन चीज़ों से आपका रिनल डिजीज़, गुर्दे की बीमारियाँ, इन चीज़ों से भी खुद को बचा सकते हैं। और इस जो 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, इसके रिलेटेड यही मैसेज है कि आप अगर इस चीज़ से मुतासर हैं तो फौरन से अपनी अद्वियात का फॉलोअप रेगुलर रखें। अगर आप इससे मुतासर नहीं हैं तो आप रेगुलर अपनी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें। शुक्रिया।